इकाई 4 सोच अपनी अपनी। चित्र ध्यान से देखिए। कैसे हो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको एक छोटा सा गांव बताऊंगा। देखो, दूर पर्वत के पीछे से हमारे सूरज दादा निकल रहे हैं। गांव में अब सुबह हो चुकी है। सूरज निकलते ही पक्षी तो अपने अपने घोंसलों से निकलकर आकाश में उड़ रहे हैं। गांव बहुत छोटा है, उसमें थोड़े ही घर हैं। आप ही गिनिए कितने घर हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और भी घर है, लेकिन पर्वत के पीछे जो आपको नहीं दिखाई देते। यह देखो, यह चरवाहा है। वह हर रोज सुबह सुबह अपनी गायों भैंसों को लेकर उन्हें चारा चराने निकल जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा है। वैसे तो गांव में कई पेड़ हैं, लेकिन यह देखिए, सबसे ऊंचे तो नारियल के ही पेड़ हैं। आपको नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं? रास्ते पर कौन जा रहा है? यह किसान है। वह भी अपने खेत में जा रहा है। उसके पीछे पीछे हर रोज एक कुत्ता भी जाता है। इस कुत्ते को किसान ने पाल के रखा है। गांव के बाहर एक छोटा सा बगीचा है। बगीचा तो बहुत सुंदर है, जिसमें तो कई पेड़ पौधे हैं। देखो देखो, ये तितलियां उड़ रही है। इसको पकड़ने के लिए, देखने के लिए आप जैसे छोटे बच्चे भाग रहे हैं। कितना सुंदर गांव है, ध्यान से देखिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको कहानी पसंद है ना? मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक व्यापारी था। वह हर रोज एक गांव से दूसरे गांव टोपियां बेचने जाता था। हर रोज वह टोकरी में टोपियां रखता था और निकल पड़ता था। एक दिन वह टोकरी में टोपियां रखकर एक गांव जा रहा था। बीच रास्ते दोपहर हो गई। गर्मी बहुत थी। उसने सोचा थोड़ा सा आराम कर लो। उसने एक पेड़ के नीचे टोकरी रखी और पेड़ की छाया में वहीं सो गया। पेड़ के ऊपर बंदर थे। व्यापारी को गहरी नींद में देखकर बंदर पेड़ से नीचे उतरे, झट से टोकरी खोली और फटाफट टोपियां लेकर पेड़ पर चढ़ गए। थोड़ी देर के बाद व्यापारी नींद से जागा। उसने टोकरी देखी, लेकिन उसमें एक भी टोपी नहीं थी। वह तो इधर उधर देखने लगा, कौन मेरी टोपियां ले गया, सोचता ही रहा। अचानक उसकी नजर पेड़ पर बैठे बंदरों पर पड़ी। सभी बंदर टोपियां पहनकर मजा कर रहे थे। अब क्या, बंदरों से टोपियां कैसे वापस ली जाएं? उसके मन में एक युक्ति सूझी। उसने अपने पास की टोपी माथे पर पहनी, बंदरों को बताया। बाद में पहनी हुई टोपी माथे से फेंक दी। बंदरों की बुद्धि होती है, उन्होंने भी व्यापारी का अनुकरण किया। उन्होंने भी टोपियां नीचे फेंकी। व्यापारी ने सभी टोपियां इकट्ठी की और वह टोकरी में भरकर चला गया। बच्चों, आपने इकाई 4 सोच अपनी अपनी के बारे में देखा और समझ लिया। और एक व्यापारी टोपी वाला है, उसके बारे में कहानी है, उसे भी आप सुनी और देखी। तो अब आप अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप पाना नंबर 21 पर प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसका पहला प्रश्न है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो बच्चों, उसका उत्तर है, सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए निकल पड़े हैं। दूसरा प्रश्न है, चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा अपनी गायें लेकर चराने जा रहा है। उसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न, नारियल के कितने पेड़ हैं? नारियल के 2 पेड़ हैं। यह उत्तर है। प्रश्न 4, चित्र में कितने घर हैं? उत्तर है, चित्र में 5 घर हैं।
पांचवा प्रश्न, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? उत्तर है, बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। प्रश्न छह, चरवाहे के हाथ में क्या है? उत्तर है, चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। प्रश्न दो, सोच कर बताइए। यह प्रश्न के चार चार प्रश्न है, उसके उत्तर आपने नोट में नहीं लिखना है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। तो उसका उत्तर आप अपने हिसाब में भी अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी। पहला प्रश्न है, चरवाहे क्या सोचते होंगे? तो उसका उत्तर हम दे सकते हैं कि गाय चराने कहाँ जाऊँ, नदी के इस ओर या जंगल की ओर किस तरह जाऊँ, वह भी वो सोच सकता है। ज़्यादा घास कहाँ मिलेगी, वो भी उसके मन में प्रश्न आता है। और दोपहर का खाना यानी कि रोटी कहाँ खाऊंगा और शाम को कब लौटेंगे, ये सब उसके मन में विचार आते होंगे चरवाहे के। तो उसका उत्तर यह होगा। दूसरा प्रश्न है, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? सूरज निकलता है तो सुबह होती है, सुबह होती है तो चिड़िया चहकने लगती है, पक्षी दाना चुगने निकल पड़ते हैं, चरवाहे गाय चराने निकल पड़ते हैं, किसान अपने खेत में काम करने लग जाते हैं। ये सब जवाब छे जवाब हो सकते हैं उसका। तीसरा प्रश्न है, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तो आपने तो उसके बारे में पता ही होगा कि बगीचा का सब बच्चों को अच्छा लगता है। कई बच्चे रंग बिरंगी फूल तोड़ने लगता है, देखता है फूलों, झूला है तो उसके पर झूलता है, तितलिया है तो उसके पीछे भी दौड़ता है और देखता है। तो बच्चों, तुम बगीचे में जाकर ये सब करते हैं ना, तो उसका उत्तर ये भी हो सकता है, लिख सकते हैं आप। प्रश्न चार, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? कुत्ता सोचता होगा कि यह आदमी कहाँ जा रहा होगा, मैं उसके साथ जाऊँ या नहीं, मुझे इसके साथ जाने से खाना मिलेगा, मैं इस आदमी की हमेशा रखवाली करूँगा, ये सब कुत्ता सोचता होगा, ये उसका उत्तर है। और पांचवा प्रश्न है, तितली उड़ती क्यों है? तितली उड़ती है क्योंकि तितली उड़ती है तो उनको उसमें देखने के लिए बहुत मजा आता है। और प्रश्न है छ, दो या तीन पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? क्योंकि उस सब पक्षी साथ में उड़ने को अच्छा लगता है, क्योंकि हमें भी अकेला नहीं मजा आता ना, तो इस तरह पक्षियों का भी साथ में रहना बहुत जरूरी है, तो इसलिए उस साथ में उड़ता होगा, वो भी हमें सोच सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से उसका उत्तर तो कई तरह आते हैं, आप अपने हिसाब से जो मन में आए वही लिख सकते हैं, लेकिन आपको नोट में ये लिखना नहीं है, फेसबुक में। और अब प्रश्न तीन, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पन्ना नंबर 21 पर ही पहला चित्र है, तो चित्र में आप देख रहे हैं कि एक व्यापारी यानी कि एक आदमी उसके सिर पर एक टोपी ले जा रहा है, तो उसके पास में ही लिखा है कि व्यापारी क्या ले जा रहा है, तो उसका उत्तर तो चित्र देखकर ही हमें पता लगता है कि व्यापारी टोपियां ले जा रहा है, तो उसके पास जो रेड लाल कलर की लाइन है उसमें आप उसका उत्तर किताब में लिख सकते हैं। और 22 पाने ऊपर दूसरा चित्र है, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो चित्र में तो आप देख सकते हैं ना कि व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है, तो आप अपनी किताब में जो जगह है उसमें लिख दीजिए
कि व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। और चित्र है, पेड़ के ऊपर कौन है? तो पेड़ के ऊपर आप ही देख रहे, एक बंदर है ना, तो पेड़ के ऊपर बंदर है, वो आप उसके नीचे उत्तर लिख सकते हैं। और चित्र है, बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो आप देख सकते हैं कि बंदर तो पेड़ पर है, वह तो टोपियां पहन के ऊपर चढ़ गए हैं। तो बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो बंदरों ने टोपियां पहन ली थी। और व्यापारी उस उत्तर देखते दिखाई दे रहा है ना चित्र में, तो उसका उत्तर क्या लिखेंगे? बंदरों ने टोपियां पहन ली, ये लिख सकते हैं उत्तर आप। और पाना नंबर 23 ऊपर, व्यापारी ने क्या किया? आप देख सकते हैं चित्र में कि व्यापारी क्या करता है, अपने सिर से टोपी उतार कर नीचे फेंक देता है। तो उसका उत्तर क्या लिखेंगे आप? व्यापारी ने अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक दी, ये उसका उत्तर है। और नीचे दिए गए चित्र, बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी? आप देखते रहे बंदर टोपियां फेंकते हुए झाड़ के ऊपर बैठे है, तो टोपियां नीचे आ रही है, उस चित्र में दिखाई देता है। तो बंदरों ने टोपियों क्यों फेंक दी? तो बंदरों ने व्यापारी की नकल करके अपनी टोपियां फेंक दी। और चित्र है, व्यापारी क्या कर रहा है? तो आप देख रहे हैं ना कि व्यापारी टोपियां बटोर रहा है, वह अपनी टोपियां जो बंदरों ने फेंक दी थी वो इकट्ठी करते हैं। तो उसका उत्तर है, व्यापारी टोपियां बटोर रहा है, उसका उत्तर है। पन्ना नंबर 23 पर इस चित्र की बात पूरी होती है। और 24 पेज पर अपनी किताब में प्रश्न 4, उसमें भी एक चित्र दिए गए हैं। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। तो अपनी किताब में भी नीचे लाइन दी गई है, एक जगह दी गई है, तो उसमें उस चित्र में जो आप देख रहे हैं उसके बारे में ही आप लिख सकते हैं। तो चित्र में क्या देख रहा है, तो आप ध्यान से देखिए कि यह चित्र बगीचे का चित्र है, वो भी लिख सकते हैं। और चित्र में पेड़ और पौधा दिखाई दे रहा है, वो भी लिख सकते हैं। आगे बगीचे में 2 बच्चे हैं, एक लड़का और दूसरी लड़की, वो भी आप लिख सकते हैं। लड़का ताली बजा रहा है, लड़का है ना, वो ऊपर हाथ करके, अब दिख रहे हैं ना हाथ उसका ऊपर है, और लड़की क्या कर रही है? लड़का ताली बजा रहा है और लड़की फिसल पट्टी खा रही है, यानी कि फिसल पट्टी से नीचे आ रही है, आप देख सकते हैं ना, तो वो भी लिख सकते हैं। चित्र में कई पेड़ पौधे हैं, वो भी लिख सकते हैं। चित्र में पर्वत कितने दिखते हैं? तो 2 पर्वत दिखते हैं, तो चित्र में 2 पर्वत है। तो यह सुंदर चित्र है, वो भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह आप अपने हिसाब से उसके बारे में लिख सकते हैं, लिखेंगे सुंदर अक्षर में, जब आप 24 पत्ते पर लिख लीजिए। और अब यहाँ अपनी सोच अपनी अपनी के बारे में उसका अभ्यास पूर्ण होता है। आप अपनी रफ नोट में, किताब में जो जगह दी गई उसमें भी लिखिए, और फेसबुक में जो मैं PDF भेजूंगी उसमें से सुंदर अक्षर में अपनी फेसबुक में भी इकाई 4 के सोच अपनी अपनी के बारे में अभ्यास जो दिया गया है वो भी आप लिख लेंगे। यहाँ अपना वो काम है, यानी कि सोच अपनी अपनी के बारे में इकाई 4 का काम पूर्ण होता है। अगले वीडियो में आप पुनरावर्तन 1 के बारे में लिखेंगे, जो अब 1 से 4 इकाई 1, 2, 3, 4 जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में ही उसका पुनरावर्तन है। तो अगले वीडियो में हम उसके बारे में सीखेंगे। आओ जो बच्चों।